हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल विजडम सीए। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सीए आर्टिकलशिप स्टाइपेंड, न केवल सीए बट सीएमए एंड सीएस तीनों के बारे में बात करने जा रहे हैं आर्टिकलशिप के स्टाइपेंड के बारे में। यहां पे तीनों कोर्सेज में किसी भी टाइप की कोई कंपैरिजन नहीं है, तीनों कोर्सेज अपने आप में बेस्ट कोर्सेज हैं, लेकिन यहां पे हम देखेंगे कुछ चीज़ें अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं उस पे हम जरूर फोकस करेंगे। यहां पे सीए कोर्स के लिए कुछ चेंजेस भी आ रखे हैं, जो एक रिकमेंडेशन आई थी इंस्टीट्यूट की, उस रिकमेंडेशन में कुछ चेंजेस भी आ रखे हैं, तो यहां पे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आईसीआई से उसको भी हम देखेंगे। तो यहां पे सबसे पहले आप देखेंगे, यहां पे एक आईसीआई नोटिफिकेशन है जिसमें कि बताया गया स्टाइपेंड के बारे में कि कितनी स्टाइपेंड है, और यहां पे लेटेस्ट अपडेटेड, दिस इज 9th of November 2017। ये जितने भी रिसोर्सेज हैं जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं यहां पे, आपको सब कुछ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, विजडम सीए विदाउट एनी स्पेस आपको सर्च करना टेलीग्राम एप्लीकेशन पे, और वहां से इसको आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। नाउ यहां पे आप देखेंगे जो स्टाइपेंड है, दिस इज एज पर द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। यहाँ पे सिटी टाउन पॉपुलेशन हैविंग 20 लाख एंड अबव, तो यहाँ पे 2000 रुपीज, दिस इज ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, और यहाँ पे सेकंड ईयर में 2500, देन थर्ड ईयर में 3000 रुपीज। और इस तरीके से जैसे पॉपुलेशन कम होती है तो यहाँ पे स्टाइपेंड भी उसी के अकॉर्डिंगली है। यहाँ पे 4 लाख to 20 लाख, दिस इज 1500, 2000 एंड 2500। देन यहाँ पे अगर हम बात करें लेस देन 4 लाख, दिस इज 1000, दिस इज 1500 एंड 2000 रुपीज। ये तो रही सीए की आर्टिकलशिप स्टाइपेंड के बारे में। नाउ यहाँ पे हम देखते हैं सीएमए की आर्टिकलशिप की स्टाइपेंड। तो यहाँ पे मेरे पास जो नोटिफिकेशन है सीएमए इंस्टीट्यूट की, ये भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, और यहाँ पे सीएमए इंस्टीट्यूट ने रिवाइज करा था आर्टिकलशिप के स्टाइपेंड को। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये एम्प्लॉयर अगर कॉरपोरेट है और अगर ऑर्गेनाइजेशन है, सो यहाँ पे रेस्पेक्टिवली गिवन है, फर्स्ट ईयर में 8000 रुपीज इफ कॉरपोरेट, इफ ऑर्गेनाइजेशन देन 10000 रुपीज, सेकेंड ईयर में 10000, देन 12500, एंड थर्ड ईयर में 12000, देन 15000। ये मिनिमम स्टाइपेंड की बात कर रहे हैं, मिनिमम स्टाइपेंड, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो मिनिमम तो ये स्टाइपेंड होना ही होना चाहिए। और ये हम बात करें आईसीएमएआई के बारे में। अगर हम बात करें सीएस कंपनी सेक्रेटरी की, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे दिस इज मिनिमम स्टाइपेंड, और इसको जैसे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ अंडरगोइंग ट्रेनिंग अंडर पीसीएस। तो अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी की ट्रेनिंग में अगर काम कर रहा है, कंपनी सेक्रेटरी की अगर कोई ट्रेनिंग कर रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 2000, सेकंड 3000 एंड 4000। यहाँ पे एक्चुअली एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, तो अगर कोई एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में है तो यहाँ पे 2000, अगर स्टूडेंट पास्ट है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम तो यहाँ पे 3000, और अगर प्रोफेशनल पास स्टूडेंट है तो यहाँ पे 4000, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे डेफिनेटली जो स्टाइपेंड है एज पर आपकी प्रोफिशिएंसी एंड एज पर एक्सपर्टीज आपकी डेफिनेटली इंक्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा है कि जैसे अगर कोई स्टूडेंट है स्टार्टिंग में ही है जिसको कुछ नहीं आता अभी, 2000 रुपीज, देन कुछ उसको आ गया, उसने कुछ लेवल एक पास कर लिया तो यहाँ पे 3000, और उसने अगर सीएस पास कर लिया, प्रोफेशनल पास कर लिया, तो यहाँ पे 4000 रुपीज। और यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी या कोई अदर एंटिटी है तो यहाँ पे 3000, 4000 एंड 5000 रेस्पेक्टिवली। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं कि चेंजेस क्या हो सकते हैं इंस्टीट्यूट जो आईसीआई है आईसीआई के आर्टिकलशिप के स्टाइपेंड में। तो यहाँ पे देखेंगे इंस्टीट्यूट ने एक ड्राफ्ट रिकमेंडेशन निकाली थी, और आई थिंक कि 80 पेजेस की ड्राफ्ट रिकमेंडेशन लगभग सभी लोगों को पता होगा। यहाँ पे वही आर्टिकलशिप स्टाइपेंड जो मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले आईसीआई की, तो यही चीज़ें गिवन है, और इसके नीचे लिखा हुआ है कि कमिटी रिकमेंड दैट मिनिमम स्टाइपेंड पेबल टू आर्टिकल असिस्टेंट एज स्टेटेड अबव बी एटलीस्ट डबल्ड। तो यहाँ पे कम से कम डबल करने की बात की जा रही है, कम से कम डबल, जो कि बिल्कुल ही जायज़ है। यहाँ पे 2000 का 4000, 2500 का 5000, और यहाँ पे 3000 का 6000, अगर इतना भी अगर स्टाइपेंड हो जाता है तो काफ़ी अच्छा है। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि आर्टिकलशिप कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी रिलीफ होगा, एटलीस्ट अगर मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो कम से कम उनका किराया जरूर निकल जाएगा, बिकॉज अभी तो मेट्रो सिटीज़ में किराया भी इतना ज़्यादा है कि 3000 रुपीज़ पर मंथ में किराया भी नहीं हो पाता है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट को करना चाहिए, जो आर्टिकलशिप स्टाइपेंड है डेफिनेटली इसको इंक्रीज़ करना चाहिए, कम से कम डबल तो होना ही होना चाहिए। सो ये कुछ स्टूडेंट्स के डाउट थे जो कि उन्होंने मुझे पूछा था, और यहाँ पे आई थिंक कि जो भी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं कि रिकमेंडेशन क्या है और एक्सपेक्टेड इंक्रीज क्या है, क्या चीज़ें हो सकती हैं। बाकी अगर कुछ आपके सुझाव हैं, कुछ आपके कमेंट्स हैं, डेफिनेटली यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी आप जरूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।